कप्तान बनते ही पांड्या ने न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास। दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर अब सीरीज कप जाने के लिए तैयार है पांड्या के शेर। मैच जीतते ही पांड्या ने जो बोला, न्यूजीलैंड टीम में मच गई बौखलाहट। हार्दिक पांड्या को यूं ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान बनाया गया है। पहला मैच तो बारिश के कारण रद्द हो गया, वरना आज भारत टी20 सीरीज अपने नाम कर लेता। कप्तान पांड्या की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैच जीतते ही हार्दिक पांड्या ने क्या बोला, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में मच गई खलबली, वह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी ले ली। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। भारत ने 191 का रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसे कीवी टीम हासिल नहीं कर पाई। मैच जीतने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वहीं निश्चित रूप से सूर्य कुमार यादव की एक विशेष पारी थी, हम 170 से 175 का स्कोर बना लेते। गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये मानसिकता बदलने के बारे में था। आप हर गेंद पर विकेट हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हर गेंद के साथ आक्रामक होना जरूरी है। गेंदबाजों पर भी बोले हार्दिक पांड्या, परिस्थितियां बहुत गीली थी, इसलिए गेंदबाजों को श्रेय जाता है। मैंने काफी गेंदबाजी की है, आगे जाकर मैं गेंदबाजी के और विकल्प देखना चाहूंगा। यह हमेशा ही काम नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बल्लेबाज गेंद से और मदद करें। हार्दिक पांड्या ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं टीम में सभी को मौका देना चाहता हूं, लेकिन अब सिर्फ एक और मैच है, इसलिए यह थोड़ा कठिन है। मैं उनसे पेशेवर होने की उम्मीद करता हूं, जो कि वे हैं। यह एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां सभी एक खुशहाल जगह पर हों। मैं इस टीम में कई बार देखता हूं कि सभी खिलाड़ी एक दूसरे की सफलता पर खुश होते हैं, और यह महत्वपूर्ण भी है। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेली, उन्होंने मैदान की हर तरफ स्ट्रोक लगाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच जीतने में सफल रही। सूर्य ने सिर्फ 51 गेंदों पर 111 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। टी20 क्रिकेट में उनका यह दूसरा शतक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस धमाकेदार शतक के साथ ही उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। सूर्य कुमार यादव भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 2 बार टी20 में शतक लगाने का कारनामा किया। इससे पहले उन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाया था। रोहित शर्मा के बाद इस फॉर्मेट में भारत के लिए 2 शतक लगाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार दूसरे नंबर पर हैं। अब देखना होगा टीम इंडिया तीसरे टी20 मैच में कैसा प्रदर्शन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।